नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी सीजीएल 2018 प्री का पेपर करेंगे। उसमें देखेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस और आज का सेट है 13 जून का थर्ड शिफ्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ अ सम अमाउंट टू रुपीज 2190 इन 4 ईयर्स एंड 2409 इन 5 ईयर्स, इट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली देन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ओके, हमें आर निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। और हमें गिवन क्या है, अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 2190 और अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स इज इक्वल टू 2409। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ डिफरेंस कितने ईयर का है, डिफरेंस यहाँ पे 1 ईयर का है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू A5 माइनस A4 बाई A4 इंटू 100, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 2409 माइनस 2190 बाई 2190 इंटू 100 जाएगा 219 बट्टा 2190 इंटू 100 इक्वल टू 10% हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉड मास का है, आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करते हैं साथ में। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, पूरे की खास सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जाएगा यहाँ पे 3 × 12 13/3 माइनस 2 × 4 एक 5, 5/2 माइनस 3/4। इन तीनों का एलसीएम क्या है, 12 है, तो 12 लिख लेते हैं। 3 × 12 13/52 माइनस 2 × 12 5 × 30 4 × 12 3 × 9, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, 52 में से 30 गया 22, 22 में से 9 गया 13, 13/12। अब इनको लेते हैं तो ये 6 × 12 13, 13/6 इंटू 12/13 हो जाएगा ये। इसका मैंने इन्वर्स कर दिया जो भागा लगा हुआ है, तो 6 × 12 13 × 13, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ सिर्फ 2 बच गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको भी ले आते हैं, 4 × 9 36 36 × 3 39 39/4 2 मीन्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू 39/8 हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार्ट्स वॉकिंग एट 4 km/h एंड आफ्टर 4 hours बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन एट 10 km/h। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैच अप विद ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, यहाँ से ए चलना शुरू करता है और उसकी स्पीड कितनी है, 4 km/h, ठीक है, और 4 घंटे के लिए चल रहा है, 4 hours के लिए। तो 4 hours पे चलेगा तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा, और कहाँ पहुँचेगा, मान लेते इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, क्यू पॉइंट पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो गया, पी क्यू की वैल्यू जाएगी 4 × 4 16 km, पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 16 km। अब इस क्यू पॉइंट पे कौन है, ए है। अब बी यहाँ से साइकिल मीन्स यहाँ से साइकिलिंग करना स्टार्ट करता है बी, और इसकी स्पीड है 10 km/h, 10 km/h। यह पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस का कवर करेगा अब बी ए को पकड़ने के लिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमें देखना है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 16 km, और इनकी रिलेटिव स्पीड कितना है, इनका रिलेटिव स्पीड है कितना है, यही 4 है, यहाँ पे 4 km/h या 10, तो हो गया 6 km/h, कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाएगी, ये 10 में से 4 माइनस कर देंगे। तो जब टाइम लगेगा बी को पकड़ने में ए को, और वो टाइम लगेगा डिस्टेंस में 16/6, इतना टाइम लगेगा कि बी और ए दोनों एक ही जगह पहुंच जाए, इतने टाइम लगेगा। इसका मीन्स बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है 16, टाइम कितना है 16/6, ठीक। ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 16 × 8 सॉरी 10 है, सॉरी ये 10 है, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, ये 10 है, 2 × 8 = 80, 80/3 इज इक्वल टू 26.67 हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट।
इसका आंसर 26 है, इजीली देखते हैं, टिक मार दो। ओके, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। एवरेज कितना है? जीरो है, हमारा एवरेज जीरो है। एवरेज जीरो कब होगा? सम अपॉन टोटल नंबर्स इक्वल टू जीरो होगा। ये कब होगा? जब हमारा सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस मीन्स हमें सम जीरो करना है। सम में जो है ये कह रहे हाउ मैनी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। देखिए अगर 27 से 27 जीरो से बड़ा कर देंगे, 27 के 27, तो जो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स आपको 26 आपको पॉजिटिव करने हैं और एक आपको नेगेटिव करना है, तब ये जीरो सम हो सकता है। कैसे? मान लो कि आपने सारे पॉजिटिव वैल्यू +1 +1 मान लिए, तो जो इनका सम हो जाएगा वो +26 हो जाएगा। 26 करके नंबर्स का जो बचा एक नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -26, ताकि इस पर -26 हो जाए और इन दोनों का सम जीरो हो जाए। ठीक, ओके, ये सिंपल एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड एंगल ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू। ओके, तो ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारे दो टेंजेंट बन गए, पी ए और पी बी। पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एंगल ए पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए पी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमें एंगल ओ ए बी बताना है, हमें ये वाला एंगल बताना है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, आप पहले इसको मिला लो। मिला लिया तो ये जो हमारा एंगल होता है 40, हाफ हाफ में बढ़ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैं ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी आपको याद होगा, ये भी हमारा 90 हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ बताते जा रहा हूँ, उसके बाद ध्यान रखिएगा। ये हमारा 90 हो गया, ठीक है, ये हमारा 90 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कटता जिसमें है, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं दोनों दूसरे के। ये जो लाइन है इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और साथ में ये 90 है, ये 20 है, तो ये कितना जाएगा? 70 डिग्री। और ये बाकी जो बचा है ये 20 डिग्री जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो फिर से देखते हैं, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, थीटा इक्वल 20 डिग्री, अगर ये थीटा इक्वल 20 डिग्री है तो इसकी वैल्यू भी थीटा ही आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ठीक। मीन्स जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% एंड अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% 5% बीइंग गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹2000। कहाँ ध्यान है, सिंगल डिस्काउंट हमारा है, सिंगल डिस्काउंट 30% है। अब देखते हैं इन दोनों का मिला के कंबाइंड डिस्काउंट कितना पड़ता है। जो हमारा कंबाइंड डिस्काउंट पड़ेगा वो पड़ जाएगा 25 + 5 - 25 × 5/100, तो जगह 30 - 25 = 125 - 1.25, ठीक है। हमारा जो कंपाउंड डिस्काउंट पड़ रहा है इन दोनों का वो है 30 - 1.25। जो सिंगल डिस्काउंट है 30% है, तो जो कंबाइंड है और जो सिंगल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? ये 1.25, ठीक है, ये 1.25 इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। क्योंकि 30 तो पहले से ही है, ये भी 30 है, पर उसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, वही हमारा डिफरेंस हो गया है, ठीक। तो इतना परसेंट वैल्यू निकालनी है 2000 की, तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमारी है वो है 1.25% ऑफ 2000। ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, 1.25 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल 50 डिग्री, इट्स साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई विद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी एंड सी बी डी एंड बी सी मीट एट पॉइंट ओ, देन एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू, ये आई थिंक 90 - 50/2 इक्वल टू 90 - 25 इक्वल टू 65 आंसर होगा। बिना डायग्राम बनाए ये बन गया, इसके पीछे का लॉजिक है, डायग्राम बनाता हूँ पहले, लॉजिक तभी आप समझेंगे। हमारा ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ठीक है,
ए बी को हमने डी तक प्रोड्यूस कर दिया और ए सी को ई तक प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, एंगल सी बी डी, सी बी डी का एंगल बाइसेक्टर कर दो, ये कर दिया। बी सी ई का एंगल बाइसेक्टर कर दो, हमने ये कर दिया। ठीक, तो हमारे ये दोनों एंगल बराबर हो गए और साथ में हमारे ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक, मीन्स हमारे ये बराबर हो गए और ये बराबर हो गए। तो जो हमारा ये वाला एंगल बनता है, ये बस आप याद कर लीजिए इस वक्त, इसकी वैल्यू जो होती है 90 डिग्री माइनस दिस एंगल, दिस एंगल बाई टू, 90 डिग्री माइनस दिस एंगल बाई टू। मैंने यहीं पे ये किया था, 90 माइनस 50 बाई टू मीन्स 90 माइनस 45 मीन्स 65 डिग्री। अगर एंगल बाइसेक्टर इस साइड होते हैं मीन्स अंदर होते हैं, ये बाहर था एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल ए बी सी का बाहर था ये। ठीक है, अगर अंदर होगा एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए। ठीक, अगर ये दोनों बराबर हो और इधर दोनों बराबर हो, मीन्स ये एंगल बाइसेक्टर हो और ये भी एंगल बाइसेक्टर हो, तो ये वाला एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, या माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट द टेबल शो द सेल्स ऑफ बुक्स इन थाउजेंड्स फ्रॉम सिक्स ब्रांचेस ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2000 एंड 2001। आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा इजीली, क्योंकि बहुत टेबल बहुत बड़ा बना रखा है, तो मुझे जूम करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रांचेस है बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, और ईयर है 2000, 2001। वैल्यूज है 80, 75, 95, 85, 75, 70, 105, 65, 110, 95, 95, 80। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए बोल भी दिया है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम ब्रांचेस बी वन, बी थ्री, बी सिक्स टुगेदर फॉर द बोथ द ईयर्स इन थाउजेंड्स। पहले से बोल रखे हैं थाउजेंड्स है, तो ये एक तरह से रिडंडेंट हो गया, आप हटा दो चाहे। हमसे बी वन, बी थ्री, बी सिक्स, बी वन ये है, बी थ्री ये है और बी सिक्स ये है, हमें टोटल सेल्स बताना है दोनों साल के लिए। तो जोड़ लो 80 और 105, 185 और 90 और 110, 205, 70 और 80, 150। ये 200 से 15 कम है, 200 से 5 ज़्यादा है। ठीक है, 200, 200, 400, 400 हो गया, 400 में से 15 और ये माइनस 10, 390 हो गया। 390 और 150 कितना होता है, 540 हमारा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट नया टेबल, टेबल्स हो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफरेंट आइटम्स फॉर पब्लिशिंग बुक। ठीक है, आइटम्स क्या कौन कौन से हो गए, पेपर, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, रॉयल्टी, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर हुए 25, 20, 10, 50, 10, 10। अब क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी इज लेस देन दैट ऑन प्रिंटिंग बाय। रॉयल्टी का है भाई, रॉयल्टी हमारा ये है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 15%, और प्रिंटिंग का है, प्रिंटिंग का है 25%। मान लो हम 100 रुपये लगा रहे हैं, तो रॉयल्टी में कितने लगेंगे, 15 रुपये लगेंगे और प्रिंटिंग में 20 रुपये लगेंगे। तो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया 5 का। ठीक है, हमें प्रिंटिंग पर निकालना है, तो 5/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 25% आंसर। अब नेक्स्ट, इन लोगों तो नए नए टेबल दे रखे हैं। टेबल शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज ओवर द इयर्स। ठीक, यहाँ पे आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर सैलरी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट एंड लोन्स, टैक्सेस, 98, 1999, 2000, 2001, 2002, और वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स इन लाख रुपीज, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों साइज लाख रुपीज आ गया, विच द कंपनी पेड ड्यूरिंग द पीरियड 1998 टू 2002। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, 1998 से 2002, 1998 2002, मीन्स इन सबको जोड़ के हमें एवरेज निकालना है। तो जोड़ लेते हैं, 4, 5, 9, 6, 15, 15 और 8, 23, हाथ से लगा दो, 23 का यहाँ पे नहीं, यहाँ लगाते हैं, 2, 3, 5, 2, 7, 1, 8, 14, 14, 9, 23, 2, 2, 4, 3, 7, 4, 11, 3, 14, 4, 18, 183.3 हमें एवरेज निकालना है। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 183.3 भागा 5 इक्वल टू 36 प्लस 3.3 भागा 5। एक बार ऑप्शन देख लो, 36 प्लस में देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन वन,
अब चाहो तो इसको ना सॉल्व करें तब भी आपका आंसर जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर ये आ चुका है। इसको सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है। 36 प्लस 5 36, तो 0.6 और 5 36, तो 36.66 हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेयर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी स्फेयर्स कैन बी मेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस की पावर कितनी होती है वो देख लीजिए, 4/3 πr³ क्यूब होती है। मीन्स आप इससे इसको, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसको इससे डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड कर दो और उसका क्यूब कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स 27 आपका आंसर। ठीक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बेसिक देख लेते हैं, आप लॉजिक समझ जाएंगे। बेसिक कर लीजिए, मान लीजिए जो बड़ा रेडियस है, ठीक है, जो बड़ा रेडियस है उसका रेडियस, फिर बड़ा स्फेयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है। अब ये मेल्ट किए गए और छोटे छोटे स्फेयर में बनाए गए, कितने स्फेयर पता नहीं है, तो नंबर ऑफ स्फेयर हम एन मान लेते हैं और जो इसकी रेडियस है इसमें स्मॉल आर मान लेते हैं। हमें गिवन है कैपिटल आर इजिकल टू 6, स्मॉल आर इजिकल टू 2। ठीक है, दोनों साइड वॉल्यूम बराबर होगा तो वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं, 4/3 π कैपिटल आर क्यूब इजिकल टू एन नंबर ऑफ स्फेयर इंटू, अब हर एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 π स्मॉल आर क्यूब। अब आप देखिए 4/3 π इधर भी है, 4/3 π इधर भी है, तो इससे कट जाएगा, तो एन इजिकल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का क्यूब, जो मैंने यहां कर दिया है, इसका आंसर 27। ओके, नेक्स्ट। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। ओके, ये कह रहा है कि 85% एक नंबर ऐड किया गया, मान लेते हैं नंबर एक्स है, ठीक है, मान लो नंबर एक्स है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 85% ऑफ एक्स प्लस 75 करें तो वैल्यू एक्स आ जाएगी। ठीक, ये हमारे कहा जा रहा है, तो 75 इजिकल टू 15/100x। ठीक, तो 15 × 5 = 75, तो एक्स इजिकल टू 5 × 100 मीन्स 500 हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमफेरेंस इट, डायमीटर, और उसके आगे एंड एंगल ADC इक्वल टू 129 डिग्री देन एंगल BC इज इक्वल टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, AB डायमीटर हो गया, ये हमारे रेडियस मान लेते हैं, इसे हम ओ कर लेते हैं, यहाँ पे सी और डी बना लेते हैं साथ में, ABCD। हमें गिवन क्या है, एंगल ADC इक्वल टू 129 डिग्री। अगर ये 129 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो एंगल, इसको एंगल CBA + 129 = 180, तो एंगल CBA = 50 + 51 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू 51 हो गई। ओके, अब आप इसको मिला दो, क्यों मिला दो, हमसे पूछ ही एंगल BAC रहे हैं, हमसे ये वाला एंगल पूछा रहा है, ठीक है, हम इस पे काम करने जा रहे हैं। आपको पता ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, और मीन्स हमारा जो ये सर्कल, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में हम कोई भी एंगल बनाते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है, अगर हमारा पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है तो। मान लो अगर सी यहाँ पर भी होता तो यहाँ पे एंगल ACB 90 डिग्री होता, मीन्स हम कहीं पर भी बनाए एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक, ओके, तो हमारे 90 डिग्री हो गया और ये 51 डिग्री हो गया, तो आप अब ये बताइए कि ये एंगल कितना हो जाएगा। ये एंगल निकालने के लिए आप ट्राइंगल ACB देख लो, ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB में ये वाला एंगल मीन्स 90 डिग्री, 51 डिग्री और जो ये वाला एंगल होने वाला थीटा मान लेते हैं, इन तीनों का समझो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, मीन्स 90 + 51 + θ = 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे θ = 39 डिग्री हमारा आंसर जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन इंटीजर एन इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 3।
व्हाट विल द रिमाइंडर इफ 6n-1 इज डिवाइड बाई 8। ओके देखिए, अगर n को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अगर आप 6n को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा 6 × 3 मीन्स 18। ठीक, रिमाइंडर 18 आएगा क्योंकि रिमाइंडर 18 आ नहीं सकता क्योंकि हमारा नंबर का 8 है। तो अब इस 18 को भी आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 8 × 16, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है 6n नहीं है, 6n-1 है। तो आप 6n-1 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2-1 = 1 हमारा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट, 3 men, 4 women and 6 boys टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। ए वुमेन डज ट्रिपल द वर्क अ मैन डज एंड अ बॉय डज हाफ द वर्क अ मैन डज। हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। ओके, 3 men, 4 women और 6 boys इन तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करते हमारा, 6 दिन में। अब ये कह रहे हैं कि मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी कितनी कितनी है। वुमेन डज ट्रिपल द वर्क मैन डज, अगर मीन्स आदमी एक काम करता है तो औरत 3 काम करेगी। ठीक है, एंड अ बॉय डज हाफ द वर्क मैन डज, मीन्स अगर आदमी 2 काम करेगा तो लड़का 1 काम करेगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मीन्स इसको बराबर कर लेते हैं तो 2 जाएगा, 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6 और यहाँ 2 है और यहाँ 1 आ जाएगा। मीन्स इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो है 2:6:1 है। ठीक है, अगर इसका एफिशिएंसी 2 है तो 3 × 2 = 6 और 4×6 = 24 और 6×6 = 6, इनका टोटल एफिशिएंसी इतना हो गया, कितना हो गया 24×6 = 30 = 36। 36 एफिशिएंसी से 6 दिन में काम खत्म हो रहा है तो हमारा टोटल वर्क होगा वो जाएगा एफिशिएंसी, टोटल वर्क एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी 36 × टाइम = 6 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। अब कितनी स्त्रियां 4 दिन में ये काम खत्म कर सकती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ वुमेन n है जो काम खत्म कर सकती है, नंबर ऑफ वुमेन इंटू हर एक वुमेन की एफिशिएंसी 6, काम कर रहे हैं उनको टाइम लग रहा है 4 days और कितना काम खत्म होगा 36 × 6। तो सॉल्व कर लीजिए, 6 से 6 कट गया, 4 × 9 = 36 आ गया, तो आंसर कितना आ गया n = 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 8 cm देन द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज, हाफ कर देंगे इसका बस, 8 का हाफ कर देंगे तो 4 आंसर जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो जो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r = a/√3। यहाँ पे a क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और जो स्मॉल r होता है मीन्स जो हमारा रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है वो होता है a/√3। तो आप देखेंगे यहाँ पर r/r = 2 वैल्यू जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे कैपिटल r की वैल्यू 8 हो गई है तो 8/r = 2, तो r = 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, a³+b³+c³=3 abc। अब आपको पता है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कब होता है a³+b³+3=3 abc होता है, कब होता है बताइए। इसके दो केस होते हैं, या तो a=b=c हो या a+b+c=0। ठीक, ये दो केस होने चाहिए। तो जब गिवन ना हो तो पहले हम इस केस को ट्राई करते हैं कि a+b+c=0 है, तो इन तीनों का सम करो कितनी वैल्यू हो जाएगी, x(x, x)-3x - 5, 6, 11, 7, 18 = 0, तो 3x = 18 - x = 6 हमारा आंसर। ठीक, अगर a=b=c होता तो क्या होता, तो x-5 = x-6 हो जाता, तो यहाँ पर x कट जाता जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना हो गया x = 6। अब नेक्स्ट, इफ tan x = cot 45° + 2x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता है इस हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है,
इन दोनों का जोड़, जोड़ क्या मिलेगा हमें, जोड़ के मिलेगा हमें 90 डिग्री। मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है क्यों होता है ऐसा। तो हो जाएगा 3x इजिकल टू 45 डिग्री, तो x इजिकल टू 15 डिग्री हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अंश रुपीज 180 पर आवर एंड वर्क फॉर 7 आवर्स पर डे, ठीक है। बी अंश रुपीज 160 पर आवर एंड वर्क फॉर 5 आवर्स पर डे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ ए एंड बी। देखिए ए जो है 7 घंटे काम कर रहा है और हर घंटे का उसको 180 रुपये मिल रहे हैं। बी कर रहा है 5 घंटे काम और हर घंटे करने काम उसको मिल रहे हैं 160, ठीक है। तो इनका रेशियो पर डे वेज के लिए इनको रेशियो कर लो, डिवाइड कर लो, अब सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गया, 2 8 16, 2 9 18, 7 9 63 और 5 8 40, तो आंसर कितना होगा 63/40। अब नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, दिस एक्सप्रेशन इसका आंसर 2 होना चाहिए वैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए। इसमें कुछ मिसिंग है, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, नहीं सही है, सही है, इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो 1 और 1 2 हमारा आंसर आ गया है। ये क्यों होना चाहिए आप करके देख लीजिएगा, आपकी भी वैल्यू आ जाएगा आंसर। बस आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, हिंट ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। एक तो आपको ये यूज करना है, या तो इसका दूसरा भाई मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सबको पता होता है ये। और एक आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इनका यूज करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 208 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको 208 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जाएगा, तो 208 बट्टा 4 करेंगे तो 52, और ये आपका आंसर। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं तो मुझे पता है। दूसरी चीज पता है कि SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ रहे हैं और हमें साथ में ए माइनस बी दे रहे हैं, तो बस सिंपली हमें डिवाइड करना होगा, ये दिमाग में आपका आना चाहिए। ऐसा क्यों है ये देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, और हमें निकालना यही था। तो ये 208 बट्टा 4 इजिकल टू 52 निकालना यही था मुझे, कैसे पता, आप इसको सॉल्व करो आपको पता चल जाएगा आपको क्या निकालना है। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। तो आपको यही चीज निकालनी है, तो आंसर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 cos स्क्वायर a प्लस 7 sin स्क्वायर a इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a गिवन दैट a इज एन एक्यूट एंगल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए दोनों अलग अलग क्या है वेरिएबल है, यहाँ पे cos है या sin है, तो cos को sin में कन्वर्ट कर दो या sin को cos में, तो यही काम करते हैं। 3 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 4, तो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 4। सॉल्व करते हैं, 4 से 3 गया तो साइड आ गया हमारा 1, और इसको जोड़ा तो हमने आ गया 4 साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1/4 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, तो साइन ए इजिकल टू 1/2। साइन ए 1/2 कब होता है, जब इसकी वैल्यू हो साइन 30 डिग्री, मीन्स ए इजिकल टू 30 डिग्री। ए 30 डिग्री हो गया, सिंपली हमें कॉट ए को निकालनी है, तो कॉट ए इजिकल टू कॉट 30 डिग्री इजिकल टू √3 हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल का
कॉस्ट प्राइस 50 आर्टिकल्स बराबर है, मीन्स यहाँ पे हम कम सामान बेच रहे हैं और ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, मीन्स हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज, तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो आप लॉस वाली चीज़ हटा दो। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ 40 है यहाँ 50 है, ठीक है। यहाँ चार मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, तभी समझ में आएगा आपको। 40 SP इजिकल टू 50 CP, ठीक है। तो SP इजिकल टू 50 हो जाता है और ये 40 इजिकल टू CP, मीन CP इक्वल टू 40 हो गया, SP इजिकल टू 50 हो गया, ठीक। तो हमारा इक्वेशन बराबर भी हो जाता है, तो मैंने SP को 50 मान लिया, CP को 40 मान लिया, ठीक। तो हमें हो गया गेन, गेन क्यों हो गया, क्योंकि SP इज ग्रेटर देन CP, गेन हो गया। तो गेन परसेंट इजिकल टू 50 माइनस 40 बाई CP, कितना है 40 × 100 इजिकल टू 25% आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 देन x³ + 1/x³ इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसकी वैल्यू 5 हो तो इसका आंसर 1 हो, तो सबको याद याद रहना चाहिए, पहली बात तो यह है। अगर याद नहीं है तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर कितनी है, पावर 1 है, और पावर कितनी है, क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब, ठीक है। क्यूब करेंगे तो वैल्यू जाएगी x³ + 1/x³ + 3 × 5 इजिकल टू 5³, मीन्स 125। इसको उधर ले जाओ, उधर जाएंगे तो आएगा -15 इजिकल टू 110 हमारा आंसर, तो इसकी वैल्यू होगी 110। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो इसी उम्मीद के साथ बाय दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।